मचल रहे हैं यार दोस्तों, कुछ नया बस आ जाए इन उंगलियों के आसपास। ये एलजी के पंख हैं, एक पंख है। डब्बे को अंदर देख के पता नहीं चल रहा है अंदर फोन है क्या। हमने चैनल पे बहुत अलग अलग तरह के फोन अनबॉक्स कर रखे हैं। हर कंपनी कोशिश करती है कुछ ऐसा तगड़ा सा बना दे, कुछ ऐसा अलग सा खोल दे, कोई अलग स्क्रीन डाल दे, कोई अलग टेक्नोलॉजी कर दे। इसमें एलजी ने भी थोड़े हाथ पैर मारे हैं, हम भी ट्राई करते हैं दोस्तों फटाफट। सॉरी ये मैं गिराने नहीं चाहता था, बट प्रोटेक्शन थी इसके अंदर। ये वाला एलजी का फोन, एक सेकंड के लिए इसको साइड में रख देते हैं और भी देख लेते हैं दोस्तों डब्बे में क्या है। ये वाला इंडिया का पैकेज हमको देखने के लिए मिलता है। एक ही स्टैंडर्ड सा एलजी का चार्जर है जिसकी शेप काफी ज्यादा वियर्ड सी लंबी सी है। एक यूएसबी केबल भी है टाइप सी वाली, दो स्क्रीन गार्ड भी दिए हुए हैं, उसके साथ साथ एक केस भी दिया हुआ है। इस केस में भी कुछ चिपकने वाला मटेरियल है और अच्छी चीज है क्योंकि इस फोन के स्क्रीन गार्ड ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक सेकंड में बताता हूँ क्यों, उससे पहले हम कवर की भी अनबॉक्सिंग कर लें। केस की क्वालिटी काफी बढ़िया से दिख रही है, बट इस केस को हम उतार देते हैं। इस वाले स्मार्टफोन में दो स्क्रीन है और जब दो स्क्रीन होते हैं हमें लगता है फोल्ड हो जा रहा होगा, बट ये फोल्ड नहीं हो रहा है। स्लाइड स्विवल पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे तो पॉलिसी बताऊं, ये जो बैक वाला टेक्सचर है बहुत ही अच्छा सा लग रहा है और बैक में देखने में काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है जो सैमसंग का S20 आता है उससे। बट जब इसको स्लाइड करते हो तो एक बहुत ही सैटिस्फाइंग सी क्लिक आती है और काफी सारी चीजें दिमाग में आती है कि जब ऐसे स्लाइड होगा तो बैक साइड भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये बहुत ही पतली सी स्क्रीन है जो एक्चुअल स्लाइड हो रही है और यहाँ पे आपको एक छोटी स्क्रीन और देखने के लिए मिल जाती है। कब सारे क्वेश्चन आज दिमाग में, मेरे को पता कि भाई हेडसेट वाला स्पीकर कहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे तो स्क्रीन हिल के अलग हो जाती है। तो एक्चुअल इसमें हेडसेट वाला स्पीकर इस वाली स्क्रीन के अंदर है ही नहीं, ये स्लाइड हो जाती है। यहाँ पे पूरा खोखला सा जो बैक साइड वाली लेयर है उसके अंदर एक्चुअल स्पीकर पड़ा है, तो उसी से आवाज घूम घूम के बाहर आती है। ऑफकोर्स ये फिंगर बैलेंस वाला टेस्ट तो किसी जन्म में पास नहीं कर पाया। बैक साइड में ग्लास है, फ्रंट में भी ग्लास है और जो स्क्रीन है वो एक 60 हर्ट्ज का पैनल है, बट दिखने में काफी अच्छा तो लगता है। स्नैपड्रैगन 765 आपको देखने में मिल जाते हैं। जो स्विवल वाला फीचर है ये एलजी ने 2,00,000 बार टेस्ट किया हुआ है। बैटरी जो है वो 4000 एमएएच की, एंटी डस्ट IP54 है, ऑफ कोर्स वाटरप्रूफ तो नहीं है, वाटर रिपेलेंट बताया जा रहा है। काफी ज्यादा हट्टा कट्टा भारी भरकम फोन है बट पॉकेट में आ जाता है और एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह ही आपको फील होगा। काफी सारे ऐसे फोन दिखाए दोस्तों हमने जो हेड स्टैंड मार रहे हैं, बट ये वाला पूरा स्प्लिट लेट भी मार देता है। और इतनी पतली सी टॉप स्क्रीन होने के बाद भी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो हो सकता है अगर आप आड़ा टेढ़ा पकड़े इस फोन को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए यूज करना, बट नॉर्मली ये काम बढ़िया से करता है। एक हाथ से खोलना और बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपके हाथ थोड़े बड़े से हैं या फिर काफी आपने एक्सरसाइज करी आपने हाथ से, ये काम आसान हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको लेफ्ट हाथ से चीजें यूज करने का आता है तब थोड़ा खोलना वोलना मुश्किल हो जाता है, तिगड़ा विगड़ा लगाने पड़ते हैं, बट राइट वाले हैंड से काफी ज्यादा आसान। जो मैकेनिज्म भी है ना वो एक हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है, तो एकदम आराम से इसे क्लोज होता है और एक काफी सैटिस्फाइंग सी फीलिंग है इसको खोलते और बंद करते टाइम, एक क्लिक सी आती है। एलजी ने डुअल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में निकाले थे, बट ये वाला थोड़ा अलग सा लग रहा है। इस वाले स्मार्टफोन में देंगे तो एयरप्लेन मोड में असली मजा आएगा। देखा क्या जोक मारा, बट आओ दोस्तों असली प्रोफेशनल्स को दिखा के पूछते हैं कैसा लग रहा हूँ, ताकि भाई नया फोन दिखा रहा हूँ। सही है यार, कैसा लग रहा है? पब्लिक में लेके निकलूंगा सब ऐसे घूर घूर के देखेंगे कि क्या है ये खिलौना है कि फोन ही है एक्चुअली। नॉर्मल फोन, कुछ हिला हिला के देखना थोड़ा सा, ये देखिए क्रैक सा दिख रहा है। नोट 20 की नहीं लग रहा है ये थोड़ा दिखने में, हाँ बट फिर ये नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है। फिर देखो दोस्तों लाइफ को आगे ले जाने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं जो बहुत ही अजीब और गरीब होती हैं, और जिन लोगों को याद नहीं ज्यादातर एक्सपेरिमेंटेड चीजें ही हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। जो डुअल कैमरा वाला सेटअप भी था वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, जो बड़े फोन्स भी बनाने शुरू करते वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, जो पतले फोन्स बनाने भी शुरू करे थे वो सारे एक्सपेरिमेंट थे। और इस वाले फोन को ले लें एग्जांपल के,
डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐसे स्विवल हो रहा है, ऊपर की साइड पे कैमरे खुल खुल के आ रहे हैं। भाई क्या क्या हो रहा है आजकल स्मार्टफोन में। एक चीज मैंने नोटिस करी, जब इसका स्विवल करके यूज करोगे ना तो इसमें काफी बड़ा डिले आता है जब ये पूरी एप्लीकेशन खुलती है, और इसको पता नहीं ट्रैक करने में या फिर समझने में कि भाई अब खुल गया, इसको 2-3 सेकंड तक लग जाते हैं। जैसा कुछ जिटरी तो नहीं फील होता बट ऐसा डिलेड सा लगता है कि भाई एकदम इंस्टेंटली खुल जाना चाहिए, मजा सा आएगा। देखो ये नॉर्मल मोड है और ये, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ऐप साफ के साथ वो काफी तंगड़ा सा रहा है। अब सोचो एक क्या कर सकते हैं, ये पोर्ट्रेट में पकड़े पकड़े एक लैंडस्केप फोन का एक्सपीरियंस है जो काफी ज्यादा वियर्ड भी लगता है बट काफी ज्यादा मजेदार सा भी लगता है। और आप लोग भी सोच रहे हो सेकंड वाली स्क्रीन का एक्चुअल काम क्या है, तो हम इसको काफी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे इसको टच पैड बना के यहाँ पे आप कर्सर की तरह चला सकते हो। अगर आपको कोई फोटो एडिट करनी है तो ऊपर आपको बाकी सारी फोटो दिखाता रहेगा, नीचे में आपको जो भी एडिट करने वो आप कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं हमारी वीडियो देखनी है, या फिर बंदूकबाज बनने का मन है। सपोज कर लेते साकिब भाई की शादी हो रही है। अबे क्या हो गया, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। कभी अपनी माँ शुभा से इश्क करा लेना, उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी। वाओ, माँ शुभा से इश्क लड़ाते बट गूगल के सर्वर डाउन हो गए हैं। हर मर्द की लाइफ में माशुका से पहले मस्त मस्त गेम्स आते हैं। ब्रूम ब्रूम तो कर लेंगे दोस्तों नॉर्मली, बट हम नॉर्मल ब्रूम ब्रूम नहीं, हम हाई क्वालिटी ब्रूम ब्रूम करेंगे। वैसे इसको पकड़ना बहुत ज्यादा वियर्ड है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा पतला इसका एज ना चुपता रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो एस फॉर्ड खेलते में ये चीज बढ़िया रहती है कि आप नीचे से गेम खेल रहे हो, ऊपर ऐसे मस्त मैप चल रहा है, तो आप इसे ट्रैक कर पाते हो कहाँ पे कौन है आगे पीछे। प्रोफेशनल की यही निशानी हमेशा राह पे नजर रहता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल लेते हैं या फिर पबजी तो दोस्तों बंद हो गया है, बट कॉल ऑफ ड्यूटी अगर खेलते खेलते आपको किसी को टेक्स्टिंग एक्सटिंग कर देगा। और इन जनरल टेक्सटिंग करने के लिए मेरे को बहुत ही सही फोन लगा कि एक सेकेंडरी डिस्प्ले सा मिल जाता। एक चीज और, इसका जो यूआई है ना वो थोड़ा वियर्ड है, जैसे अगर मैं उल्टा पकड़ रहा हूँ स्क्रीन को तब भी नीचे वाले बटन से वॉल्यूम अप हो रही है, जो मेरे ख्याल से रोटेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज होना चाहिए था। और भी जो चीजें हैं जैसे मल्टी फंक्शन वाली यूआई है उसमें जो एप्स है वो काफी ज्यादा कम देखने के लिए मिलती है, और अगर आप ऐसे पकड़ोगे भी ना तो काफी एक अनबैलेंस सा एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली नहीं है। बट अब खेल लेते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी अभी खेल रहा हूँ तो इसमें कोई सेकेंड स्क्रीन का यूजेज नहीं है, किसी किसी गेम के लिए ऑप्टिमाइज है, हर गेम के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। एक दो को तो लपेट ही देंगे तब भी। ओ यार ये तो पीट दिया इसने, हमको मुंह की चखा दी है दोस्तों, बट हम हार नहीं मारेंगे। दोस्तों नॉर्मल स्मार्टफोन है उसका आप या तो ऐसे सीधे पकड़ के यूज कर लोगे या ऐसे साइड में करके यूज कर लोगे, बट ये वाला स्मार्टफोन इसको आप अलग अलग तरीके से, एक सबसे पहली बात इसको आप एकदम नॉर्मली सीधा पकड़ के यूज कर सकते हो, इसको पंख खोल के यूज कर सकते हो, हवा करनी है हवा भी कर सकते हो। बट मजा क्या साइड में, ये दो हो गए, फिर ये तीसरा जिसमें ये बड़ी वाली स्क्रीन इस साइड और छोटी वाली स्क्रीन इस साइड। काफी सारे लोग यहाँ पे अपने मैप चला के यहाँ पे गाने स्क्रॉल करेंगे, या फिर आपको विडजेट बनाना है जिसमें एक आप क्लिक करोगे डायरेक्ट यूट्यूब और क्रोम दोनों एक साथ खुल जाएगा, बट ऐसे यूज कर सकते हो। एक तीसरा तरीका ऐसे है जैसे हमने अभी एस्कॉर्ट के लिए, आप ये पतली वाली स्क्रीन को पकड़ के ऊपर सेकंड वाली स्क्रीन को आप यूज कर सकते हो। और चौथा तरीका ऐसे है कि बड़ी वाली स्क्रीन इस साइड और यहाँ पे ऐसे बंदूक बंदूक मारनी है करना हो, तो हर एंगल से एक अलग टाइप का यूज केस बनता है। और एक अलग पतली रोटेटिंग स्क्रीन होने से काफी सारी चीजें जो आप एक्सपेक्ट करते हो स्मार्टफोन के साथ वो काफी अलग तरीके से होती है। जैसे अगर आपको टाइपिंग करने के लिए तेजी से टाइपिंग करनी है बड़ा सा कीबोर्ड चाहिए तो इस पूरी स्क्रीन पर कीबोर्ड आप यूज कर सकते हो, और जब आप इस वाली स्क्रीन पर टाइप करोगे तो आपको जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा वियर्डली फील होती है, क्योंकि जैसे मैं किसी भी और फोन में टाइप करता हूँ ना तो वाइब्रेशन मेरे को डायरेक्टली फोन में ही फील होती है, बट क्योंकि मैं जिस स्क्रीन को पकड़ रहा हूँ इसमें वाइब्रेशन मोटर नहीं है और जो एक्चुअल वाइब्रेशन मोटर है वो यहाँ पे कहीं पे है, तो जब आप ऐसे पकड़ के टाइप करोगे ना तो वाइब्रेशन आपको बहुत ही ज्यादा वियर्डली एक डिलेड सी वाइब्रेशन फील होगी। और ऐसा हर चीज में ही है, जो एस्फॉल्ट में गेम भी खेल रहा था उसमें भी जो वाइब्रेशन होती है या फिर और चीजों को करने पे वाइब्रेशन होती है, जो साउंड आती है वो वियर्डली ऊपर की तरफ से आती है या फिर वाइब्रेशन जो है वो मेरे को यहाँ पे बीच वाली साइड फील होती है, और फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है तो इन दोनों के बीच में स्पेस है वो हल्का
ज्यादा हिलती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक नेगेटिव चीज है, बट एक काफी ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो मैं पहली बार फील कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस था गेमिंग का काफी तक स्मूथ ही था, क्योंकि स्नैपड्रैगन 765 एक अच्छा केपेबल प्रोसेसर है, बट कंफर्टेबल था ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि पकड़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और अगर आपको एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ऐसे ही खेल के थोड़ा सा मजा आएगा, बट डेफिनेटली आपको डुअल एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, ट्रिपल एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, तो वो एक डेफिनेटली काफी बड़ा प्लस हो जाता है। एक बात सही है भाई, फिडजेट स्पिनर की जरूरत खत्म कर देता है, कि जितने टाइम मैंने इसको यूज करा है 200,000 जो स्लाइड्स हैं वो मैं कर भी सकता हूँ शायद। बैटरी इसमें ऑल्दो एक एक्सपेरिमेंटल का फोन है, बट 4000 एमएएच देखने के लिए मिलती है, बट एक्सपेरिमेंटल फोन के हिसाब से काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। दोस्तों हिला हिला के जब आप थक जाएंगे तब आपको फोटो खींचने की भी जरूरत होगी। इस वाले में काफी डिफरेंट मोड्स हैं, जब ऐसे रोटेट कर देते हो ना जॉयस्टिक सी बनी आ जाती है कैमरे के सामने, जो बहुत ज्यादा वियर्ड है। मैं इसको कैमरे को ना मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ये गिम्बल मोड इन्होंने बताया हुआ है। देखो मैं यहाँ से यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, तो ना काफी स्मूथ सी वीडियो बन रही, और मैं ऊपर कर लूँ चाहे नीचे कर लूँ, ये काफी स्मूथ लेफ्ट राइट कर, वेरी स्मूथ स्मूथ फुटेज आ रही है। और बैक साइड से अगर आप देखोगे तो कोई भी कैमरे का सेंसर ना हिल नहीं रहा, और इसमें जो कैमरे का सेटअप भी है ना काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि एक प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, एक 12 मेगापिक्सल वाला वाइड एंगल वाला सेंसर है, और थर्ड वाला आप एक्सपेक्ट करोगे पता नहीं को टेलीफोटो या फिर मैक्रो, बट इसमें तीसरा वाला भी वाइड एंगल के लिए, और वो स्पेशली इस गिम्बल मोड के लिए दिया, जो मेरे हिसाब से ये ऐसे टी वाली स्क्रीन का यूज करने के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। बट एक चीज है जो काफी ज्यादा व्लॉगर्स भी यूज करेंगे, इसमें ना डुअल कैमरा वाली रिकॉर्डिंग रहती है, तो मैं फ्रंट की और बैक साइड की कैमरा की रिकॉर्डिंग दोनों की एक साथ सेव कर सकता हूँ, और काफी अच्छा सा लग रहा है। बैक साइड में से फूल पौधे कैमरा हमारा रखा है, फ्रंट में हम बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी भी ले लेंगे। और अगर मैंने आप लोगों को बताया नहीं था तो इसका जो कैमरा है वो ऊपर उठ उठ के आता है, जिसको आप दबा दबा के नीचे भी कर सकते हैं, बट वो खराब होगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे सेंस ट्राई करें ऊपर उठने वाले और बहुत ही मस्त चले, एक दो साल आराम से चल जाते हैं, मतलब उससे ऊपर हमने चलाए नहीं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो डिटेल तो ठीक है, बट ओवरऑल इमेज कुछ खास मजा नहीं आया। स्किन टोन कभी कभार बहुत फेडेड से आ रहे हैं, कभी कभार हल्के ज्यादा सैचुरेटेड हैं, कलर यहाँ पे पर्पल दिख रहा है, यहाँ पे पर्पल कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ डेफिनेटली दिक्कत है इसकी ऑप्टिमाइजेशन में। एक दो ऐसी रैंडम फोटो भी खींच ली है, फूल पौधों की भी खींच ली, चाय वाइड एंगल में भी खींच लेते भाई। बैक साइड के कैमरे की फोटो में ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी लग रही है, और जो डिटेल है जैसे इसकी वायर भी है वो काफी ज्यादा शार्प आई है। इस वाले स्मार्टफोन को मतलब आप कहीं पे भी लेके जाओ, जिम में, किसी भी मॉल में, कहीं पे भी आप जाते हो किसी फैमिली फंक्शन में, डेफिनेटली आपसे लोग आके पूछेंगे भाई ये क्या हो गया, इसको हाथ में लेके जरूर देखेंगे थोड़ा घुमा घुमा के, और अगर दोस्तों के सामने कूद बना है तो डेफिनेटली एक फोन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, और डेली लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसा फोन नहीं है कि आपको डेली लाइफ में दिक्कतें आने वाली ऐसा कुछ है, हल्का फुल्का बल्कि रहेगा, हल्का फुल्का आपको इधर उधर दिक्कत आएगी सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशन की। अगर वैल्यू की बात करी जाए तो ऐसे फोन्स को बनाने में डेफिनेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसे आता है, उसके बाद इन सब चीजों को पुल ऑफ करने के लिए भी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस देखने पड़ते हैं, जैसे बैटरी है, उसके बाद डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का नहीं है, 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले आते हैं इस प्राइस पॉइंट पे सारे, उसके बाद जो प्रोसेसर है वो भी एक लेवल डाउन है ज्यादातर फ्लैगशिप से जो इस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स स्विवल वाली चीज के लिए, और ये जो मन की संतुष्टि है ऐसे हिलाने की, उन सबको भरने के लिए आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, बट उनके लिए अगर आप रेडी हैं तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। पता था यार इस वाली वीडियो के लिए हम भी इसको थोड़ा और टेस्ट करेंगे, मजे करेंगे, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।